अगर कोई मुसीबत और तकलीफ में है तो उनकी मदद जरूर करें। सिर्फ 48 आवर का ये काम है, उसके बाद ये सिस्टम आगे मूव कर जाएगा। टेस्ट मैच की क्वालिटी ना हो उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट में क्या उम्मीद रखेंगे। हम स्पेसिफिकली उन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया पे इन जनरल फोकस नहीं होता। दुनिया की खबर से बाखबर रहना बहुत जरूरी है। मर्दों का जो आपने सुसाइडल रेट बताया औरतों की वजह से तो ज्यादा है। आपको शामदीद कहते हैं, आपका मजा प्रोग्राम दुनिया बोल है मैं, और आज जुमे का दिन है और आज के प्रोग्राम का आगाज करेंगे अच्छी बात के साथ। मुस्लिम शरीफ में हदीस मुबारक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई अपने भाई को नफा पहुंचा सकता है उसे नफ़ा पहुंचाए। तो कोशिश करें कि अपने हम वतन भाइयों, अपने मुहिब वतन भाइयों, अपने तमाम मुसलमान भाइयों की परेशानी को दूर कर सकते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। अगर कोई मुसीबत और तकलीफ़ में है तो उनकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि गरीबों की मदद करने से दिलों को सुकून मिलता है। इसी तरीके से अपने भाइयों की मदद करने से भी दिल को सुकून मिलता है। और इसी अच्छी बात के साथ नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सिंध भर में बारिशों के बायस बनने वाला तूफान अब भी कराची से 223 किलोमीटर दूर मौजूद। 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का इम्कान। तूफान के आने से पहले ही हैदराबाद में 300 और बदीन में 200 मिलीमीटर बारिश निज़ाम ज़िंदगी मफलूज किया, और इंतज़ामिया गैर मामूली हालात से निपटने के लिए तैयार है भी कि नहीं। और कौमी क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज बचाने के लिए अब पड़ गए हैं लाले। रावलपिंडी में दूसरे टेस्ट का आगाज आज होगा। शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप, अबरार को आखिरकार जगह मिल गई। टीम में तब्दीलियां, क्या मैच का नतीजा भी तब्दील कर सकेगा। और पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, सब सबमरीन केबल की खराबी अक्टूबर तक रहेगी बरकरार, इंतजामिया ने आगाह कर दिया। जदीद दौर में इंटरनेट की स्पीड ने कारोबारी जिंदगी किस हद तक मुतासिर कर रखा है, तफसील गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और लीफ आर्ट पर खूबसूरत इंसानी शक्ल तरतीब देने का ये एक यूनिक फन, आर्टिस्ट कामरान खान के फन की सोशल मीडिया पर चर्चे। नौजवान आर्टिस्ट आज दुनिया बोल में होंगे मेहमान। नाज़रीन प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी सिंध में आने वाले समुद्री तूफान की। जी हाँ, ये एक डीप डिप्रेशन कराची से 223 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद है। समुद्री तूफान का 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान तकरीबन ये जो मजीद जनूब मगरब की जानब बढ़ेगा ऐसा कहा जा रहा है। तूफान सिंध के साहिल के साथ शुमाली मशरकी बहर अरब में उभरेगा। इसी पर डिटेल में बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शाहिद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, करीबन एक डेढ़ हफ्ते से आप यहाँ पर हमारी चैनल के ऊपर रोज़ आकर के बता रहे हैं तकरीबन कि जी बारिश होने वाली है और शदीद बारिश होने वाली है और सिंध के अंदर जो है वो एक सिस्टम भी दाखिल होने वाला है, उसके बावजूद भी PDMA और NDMA जो है उनकी तरफ से कोई ख़ास इकदाम या तो नज़र नहीं आए, या फिर क्या ये बारिश अनएक्सपेक्टेड हो गई है या इतनी मुतवक्को नहीं की गई थी, ज़रा बताइएगा। ये सिस्टम है जितनी हम बता रहे थे या जितनी जो हुई है ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी, कोई ऐसी अनहोनी नहीं है। जब बड़ा सिस्टम आता है तो इतनी बारिशें तो हो जाती हैं। दूसरा ये कि सिस्टम की जो स्पीड है वो भी, इस बड़ा सिस्टम होता है, इसका फैलाव तो करीबन 1000 किलोमीटर के करीब होता है। अच्छा। तो जब ये मूव करता है तो ये 3 से 4 दिन लगते हैं, अगर स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए तो 2-3 दिन का और इजाफा हो जाता है। तो अभी ये अगले 48 घंटे भी ये सिंध पे इसका असर रहेगा और इसकी शिद्दत जो है अगले 36 घंटे तो बिल्कुल बरकरार है, और इसमें जो है जितनी बारिश हुई इतनी और भी हो सकती है। अच्छा तो शाहिद साहब ये बताइएगा, एक चीज और ऐड कर दीजिएगा इसमें, कि ये तूफान हिट कर गया है या करने वाला है, या इस सिस्टम में हम दाखिल हो चुके हैं इस तूफान के? सिस्टम में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अच्छा। इसकी शिद्दत जो है, उसकी मूवमेंट जो है, अगर तो वो जो ट्रैक्स है उसी के मुताबिक रहती है तो फिर तो ये होगा। अगर थोड़ा सा उसका एंगल जो है टूवर्ड जो है साहिल चेंज होता है तो फिर बारिशें जो है इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ये अगले 48 घंटे तो बिल्कुल इसका खतरा और इसकी शिद्दत बिल्कुल मौजूद है और इस पर बारिशें देता रहेगा। अच्छा सर, किस हद तक खतरा है? शायद सर ये भी बताइएगा, ये जो तूफान आ रहा है इस वक्त लोग बहुत परेशान हैं, घबरा गए हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं, और जो लोग निकल रहे हैं वो सिर्फ ये देखने के लिए जा रहे हैं कि जी तूफान तो आएगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आना होता है
वो रास्ते में से कहीं निकल जाता है। तो ये भी ज़रा गलतफहमी और खुशफहमी जो है लोगों की दूर कर दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि अगर आ जाता है तो कितना डेंजरस है ये सिस्टम। जी नॉर्मली जो है ये इसका एक यूनिक फीचर है इसका, नॉर्मली जो है जो समुद्री तूफान है समुद्र में नीचे पाँच छः या आठ डिग्री लैटीट्यूड पे बन के ऊपर को कराची की तरफ आता है बम्बे से ऊपर को, और जब कराची के पास आता तो फिर इसके दो ट्रैक होते हैं, एक जो गुजरात की तरफ इंडिया टर्न कर जाता है या फिर मस्कत और ओमान की तरफ। ये पहला है जो खुश्की पे बना है और बाद में समुद्र में दाखिल हो रहा है, इसकी मूवमेंट है। और दूसरा ये कि इसका अगर ये रहता है थोड़ी शिद्दत तो कराची में 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की हवाएं चल सकती हैं, जो एक बारिश के अलावा एक फीचर होगा जो जिसके अपने असरात होंगे, दरख्त वगैरह गिर सकते हैं इतनी तेज हवा में तो। जी उसके बिलबोर्ड और दूसरी चीजें, और पहले तो बिलबोर्ड थे अब जो सोलर प्लेट्स हैं ये भी एक नया इवेंट दाखिल हुआ है कि ये भी गिर सकती है, तो इससे भी और तरह की नुकसान हो सकते हैं। अच्छा यानी ये काफ़ी ख़तरनाक है और ये हिट करने को भी जो है आप बता रहे हैं कि 3-4 दिन के अंदर जो है ये इसके नतायज भी जो है वो सामने आ जाएंगे। अच्छा शाहिद साहब ये बताइए एहतियाती तदबीर क्या इख्तियार की जा सकती है? देखिए अभी वो एक आज कोई 8वां 9वां दिन है जब से ये बना था और इसकी सारी शिद्दत के साथ और इसका ट्रैकिंग और सबको अदारों को बता रहे थे लोग। अब तो पाकिस्तान में या कम से कम सिंध में तो कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिसको इसके बारे में पता नहीं, सर हमारे चैनल पे आप रोज चिल्ला रहे थे एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, और बेहतर तो यही है कि इससे जो है एक तो ये कि जो हम अदारे जो कर सकते थे इस अपनी कैपेसिटी में उन्होंने तो कर लिया, अब अवाम ने अपने आप को इन असरात से बचाना है तो उसमें सबसे पहले तो ये। अच्छा शाहिद साहब हमारे साथ रहिएगा, हमारे नुमाइंदे खसूसी हैं ठट्टा में नज़ाकत शाह, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। जी नज़ाकत बताइएगा। जी बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से समंदरी तूफान का जो अलर्ट जारी करने के बाद जिला ठट्टा की इंतजाम यानी जो साहली इलाके जिसमें केटी बंदर खारो छांग जगीसर गोराबाड़ी समेत जितने साहली इलाके वहाँ जो हंगामी बुनियादी पर जो इंतजाम जो है ना वो शुरू कर दिए गए हैं। इस हवाले से साहिल के किनारों पर जो 144 नाफिज करके जो माहिगीरों को खुले समंदर में और माहिगीरों को मछली का शिकार करने से रोक दिया गया है, जबकि जितने माहिगीर समंदर में शिकार कर रहे थे उनको वापस बुलाने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि जजीरों पर जो सैकड़ों देहाते वहाँ के उनके मकीनों को वहाँ से नकल मकानी करके मुख्तलफ जो महफूज मकाम पर मुंतकल किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानब से तमाम महकमात के जो अफसरान है मुलाजमन उनकी जो हंगामी बुनियादी पर छुट्टियाँ मनसूख करके उन्हें अपने अपने हेडक्वार्टर में रहने के लिए जो अहकाम जारी किए गए, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने केटी बंदर में बेस कैंप जो कायम कर दी गई है वहाँ से जो मॉनिटरिंग कर रही है। शकील घाची की तरफ देखते हैं उनके पास क्या अपडेट है। जी शकील बताइएगा। अजी बिल्कुल बदीन में पड़ने वाली मुसलसल 3 दिन से मूसलाधार बारिश ने म्यूनसिपल इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी है। बदीन के सड़कों पर तो बारिश का पानी मौजूद है, नशे भी इलाकों में इस वक्त में भट्टी मोला के अंदर मौजूद हूँ, इस भट्टी मोला के अंदर भी 200 से ज्यादा घरों के अंदर बारिश का पानी मौजूद है। म्यूनसिपल कमेटी बदीन ने नक्काशी आब के लिए बारिश के पानी की नकासी के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं किए, यहाँ पे बारिश मुतासर मेरे साथ मौजूद है, आप बताएं कि आपके कितने घर हैं जिनमें पानी मौजूद है? क्या सर इधर हम 200 घर हमारे हैं, इधर ये भट्टी है शीदी है खास के लिए है, माशाल्लाह 200 घर है, लेकिन कोई भी सार संभाल नहीं करे। म्यूनसिपल कमेटी वालों को भी हमने बताया, चेयरमैन वालों को भी हमने दरख्वास्त दी है, लेकिन कोई भी हमारी सुनता नहीं है, बोला हम आ रहे हैं इधर डूब के मरे हैं, बच्चे हमारे भूख में और हम दिहाड़ी वाले अभी पानी की करें या बच्चों की करें क्या क्या हम करें, तो हमको हम आपको ये विजिट कर रहे हैं और दिखा रहे भी हैं कैसे गुजार रहे हैं जिंदगी भाई, ये देख रहे हैं जिंदगी ये गुजरी है, मलेरिया छोड़ती नहीं है, पानी घरों में रास्ते डूबे पड़े हैं, जो बड़े वाले आते हैं अपने ये हमारे पहाड़ों में भी बहुत बड़े हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले या कोई मिर्जा वाले वाला किसी को भी हम बता दें कोई भी नहीं सुनते हैं, बस आके देख जाते हैं, बोले हम आते हैं यहाँ पे बारिश मुतासिर से मेरी बात। ओके जी बहुत शुक्रिया शकील गाजी साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं अभी तक। शाहिद साहब आप सुन सकते हैं? जी शाहिद साहब हाँ, मैं आपसे जानना चाह रहा था एहतियाती तदाबीर के बारे में और आप कुछ बता भी रहे थे। जी
मैंने ये अर्ज किया कि जितने अदारे थे पीडीए में हो एनडीए में हो जो रिलीफ के हैं और उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन पास करनी थी डिप्टी कमिश्नर लेवल पे वो तो की हुई है और वो अपने लेवल के इंतजाम कर रहे हैं। अब जो पब्लिक है या उनको अपने आप को इसके असरात से बचाना है, गवर्नमेंट पे या बाकी इदारों पे डिपेंड करेंगे तो आपका नुकसान तो हमारा जाती तौर पे होना है, उसको कंपनसेट तो उसके लिए हमें खुद अपने तौर पे जो है एहतियात ये है कि बाहर निकलने से जो है गैर जरूरी एहतियात करें और अपनी मूवमेंट को महदूद रखें। ये सिर्फ 48 आवर का ये काम है, उसके बाद ये सिस्टम आगे मूव कर जाएगा। 48 घंटे आप बता रहे हैं कि जी 48 घंटे जो हैं वो क्रूशल हैं और उसमें हमने एहतियात करना है और उसके बाद जो है वो सिस्टम पास कर जाएगा यहाँ से। अच्छा ये भी बताइएगा कि डिप्रेशन जो डेवलप हो चुका है इस वक्त और पिछले एक दो दिन से हम यही सुन रहे थे कि डीप डिप्रेशन बन रहा है, अब ये बन चुका है तो क्या इसके ज़्यादा नुकसान सामने आएंगे बनिस्बत इसके जो सिस्टम दो दिन पहले था? अभी अभी उसका कुछ पार्ट जो है खुश्की पे है, कुछ समुद्र पे। जब समुद्र पे आएगा तो समुद्र में जो पानी की ग्रिप इतनी ज्यादा होती है जमीन की निस्बत जमीन पे लूज ग्रिप होती है तो वो फिर डीप डिप्रेशन से साइक्लोन बन जाता है जिसमें एनर्जी और ज्यादा आ जाती है और विंड की स्पीड और बढ़ जाती है और जमीन पे इतनी हो तो चीजें उखड़ जाती है और बाकी चीजों से और उसकी उतनी ग्रिप या उतनी स्ट्रेंथ नहीं बन पाती। जब 100 किलोमीटर से ऊपर की हवाएं चलेंगी आपने बताया समुद्र पे आएगा तो ये इससे ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच शाहिद साहब, आप हमारे मेट्रोलॉजिस्ट हमेशा से ही साथ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से बता रहे हैं कि जी इतनी खतरनाक बारिश आने वाली है, इंतजामिया ने तैयारियां नहीं की, अब इंतजामिया रेस्क्यू की जानिब जरूर बढ़ जाएगी और अल्लाह करे जल्दी बढ़ जाए। हम बढ़ रहे हैं एक वक्फे की जानिब क्योंकि वक्फा जरूरी है। सी यू आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको शामदीद कहते हैं। दुनिया बोल है मैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट आज रावलपिंडी में शुरू होगा। मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का एक बड़ा ही जबरदस्त चैलेंज इधर पेश आ चुका है। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में इब्रार अहमद और कामरान गुलाम को 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया है जबकि कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी को ड्रॉप करके आराम दिया गया है। जबकि आज स्टेडियम में तलबा की फ्री एंट्री का भी ऐलान कर दिया गया है। मैच की ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो कि हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ होते हैं, साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सजू भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फहीम भाई, यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में बोल्ड न्यूज मॉर्निंग शो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस मॉर्निंग शो को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है, पसंद किया। कल हमने ब्रेक की थी खबर शहन जी आफरीदी टीम में नहीं होंगे, मीर हमजा होंगे, अबरार, आपने खबर ब्रेक की अबरार थे और यकीनी तौर पर 12 रुकनी जो टेस्ट टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अनाउंस की है, बारिश यकीनी तौर पर कल हमने बता दिया था बारिश जो है 5-4 दिन देंगे, लेट स्टार्ट होगा और पहली दफा आपने देखा है पाकिस्तान के पिंडी स्टेडियम में पंखों से पिच को सुखाया जा रहा है। पिच का जो स्क्वायर होता है, दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट में आईसीसी हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने जा रहे हैं और इससे दुनिया में जो इमेज सोशल मीडिया पे तस्वीरों का आया है, कहीं दो पाकिस्तान सुपर लीग में हेलीकॉप्टर आता है वो पिच को सुखाया जा रहा होता है, मगर ये जिस तरह पंखे लगा गए, पिच तो जिस तरह ग्रीन है ना, जैसे आउटफील्ड ग्रीन, इस तरह की पिच ग्राउंडमैन ने बनाई है जो ऑस्ट्रेलियन ग्राउंडमैन इम्पोर्ट होके आए हैं और हेड कोच ऑस्ट्रेलियन है, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? आपके बॉलर तो 0/0 है, जो लास्ट टेस्ट मैच आप हारे हैं, सवाल ये पैदा हुआ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त बांग्लादेश में, सबसे बड़ी में बांग्लादेश में आपको अपने घर में आके 10 विकेटों से हरा दिया तारीख की। बांग्लादेश की अगर हम बात कर रहे होते हैं, बांग्लादेश तो सीरीज जीत गया, बांग्लादेश तो यकीनी तौर पर, मेरे अपने जराए बताते हैं अगर आज का खेल नहीं होता लेट शुरू होता है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉस नहीं सारे भाई, बारिश है 5-5 दिन, अगर ये मैच ड्रॉ, ये इसके चांसेस अगर मोर देन 50% है कि ये मैच ड्रॉ हो जाएगा और खिलाड़ियों की भी ख्वाहिश यही है, जो खिलाड़ी जो डर के खेल रहे हो, जो खिलाड़ी जज्बे से ना खेलते हो, जो वुल के खेलते हो, जो 2020 पे फोकस करते हो, टेस्ट मैच की क्वालिटी ना हो, उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्या उम्मीद रखेंगे? तो साजिद भाई क्या हम सिर्फ 4 ओवर के बॉलर बना रहे हैं जो फास्ट बॉलर है, इनका क्या स्पेल हमारा 4 ओवर का है? क्योंकि वनडे के अंदर भी हमने इनकी कारकर्दगी देख ली, नेल बटा सन्नाटा।
फहीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, प्राइवेट लीग को, जब से 2020 में पैसा इतना करोड़ रुपए आ गया, उसे पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं प्राइवेट लीग को तरजीह देते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को तरजीह देते हैं, हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सुपर लीग पे बनती है, आप मुझे बताइए, काजन ट्रॉफी हुआ, जब से जितने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसको आप तरजीह नहीं थे, डिपार्टमेंट आपने बंद करा दे, डिपार्टमेंट से जितने भी खिलाड़ी आते थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग करा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर बहुत पीछे चले गई, बड़े अफसोस से पूरा सिस्टम पीछे चला गया है। सारिद भाई, जो आपने भी जिक्र किया डिपार्टमेंट का और जो डोमेस्टिक का जिक्र किया, पूरा सिस्टम ऐसा लग रहा है जैसे वाइप आउट कर दिया गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया, हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के साथ क्रिकेट खेली है, बात सिंपल थी, जितने भी प्लेयर थे डिपार्टमेंट की पैदा करते, 92 वर्ल्ड कप जीते, वर्ल्ड कप सारे डिपार्टमेंट, 2009 वसीम भाई जावेद भाई सब डिपार्टमेंट के लिए खेलते, सारे जितने भी थे, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते 2009 आज हम कहां खड़े, हम ये बताइए शाहीन शाह आफरीदी को अगर ड्रॉप किया, बिल्कुल सही ड्रॉप किया, तो मुझे बताइए शाहीन शाह आफरीदी कराची आता है, उसकी औलाद होती है, उसका बेटा होता है, दोबारा इस्लामाबाद जाता है, जो मेरे अपने जराए बता रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचता है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, मीर हमजा और अबरार जो फुल नेट पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो मेरे अपने जरा अजहर महमूद का तो साइड पे प्रैक्टिस कर रहा होता है, और दूसरा हेड कोच ये बात कह रहे हैं, हमने शाहीन शाह आफरीदी डिस्कस किए है, बात की है, वो हमारा बहुत बड़ा बॉलर, हमें भी पता बहुत बड़ा बॉलर, हमसे पूछो गलती क्या कर रहा है, गलती ये कर रहा है उसका जो पूरा जो रनआउट है, बॉलिंग रनआउट है, फिटनेस के बाद उसकी बॉडी नहीं लग रही, और आपके पास हमेशा एक हर बरस की दवा मौजूद है, शहर कराची में मौजूद है, वसीम अकरम के पास जाए, लेफ्ट ऑफ फास्ट बॉलर, उससे बड़ा कोई नहीं है। वसीम भाई ने आपको याद होगा कि हारिस रऊफ को रोक दिया था मैच के दौरान, मैं मैच भूल रहा हूं कौन सा था, आप बताइएगा, याद दिलाइएगा अगर आपकी याददाश्त में हो अभी, तो रोक दिया था चार एशिया कप में, चार बॉले करा के रुकवा दिया था कि भाई नहीं कर, स्ट्रेन आ जाएगा, बिल्कुल नहीं करना है, छोड़ दो, और फिर हारिस ने छोड़ दिया था वो, तो आप याद होगा वसीम भाई जो है वो आपके मेंटोर हैं और बहुत बड़े मेंटोर हैं, और उनकी बातें जो है वो वाकई उनके एक्सपीरियंस से निकली हुई बातें। देखिए मेरे साथ वो क्रिकेट खेले हैं, 1100 विकेट उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान में, उससे बड़ा क्रिकेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, शाहीन की जो प्रॉब्लम है उनका हाथ, मेरी बात हो रही थी वसीम भाई से कल, मैंने उनसे पूछा भाईजन क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो उसकी बॉडी पूरी ऊपर से नहीं आ रही, पूरा हाथ ऊपर से नहीं आ रहा, फिर उसको जो बॉडी होती है साइड पे नहीं गिर रहा बॉल करके, वो बैक में कोई मसला है शायद, वो उनका हाथ जो है वो मूव नहीं हो पा रहा है, उसके सबसे आसान तरीका ये है, तो ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर आपके पास मौजूद है, उसके पास चले जाओ, सिर्फ कॉन्फिडेंस की दे ले, पाकिस्तान के लड़कों के दिल बहुत छोटे हो गए, क्यों हार से ये बहुत पीछे चले गए, अच्छा मेंटोर, अच्छा मैनेजर आपके पास होना चाहिए, मोइन खान में कह कह के थक गया, मोइन खान को कोच लाए, मैनेजर लाए जो टीम को लड़ाना जानते हो, फॉरन कोच जो यकीन तौर पर वो अब सिस्टम में पाकिस्तान के सिस्टम को समझ गया, ऑस्ट्रेलियन कोच पाकिस्तान के सिस्टम को समझ गया है, उनकी बोलियां बोलना सीख किया, देखिए ये ड्रॉप किया डंके की चोट पर मालेत को ड्रॉप किया, उसकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए, दुरुस्त फरमा रहे हैं सचिन भाई, ड्रॉप किया है, कारकर्दगी बिल्कुल नहीं थी कि, और इज्जत बचाने के लिए कह लीजिए कि अपने सुपरस्टार की, सो कॉल्ड सुपरस्टार की, क्योंकि शोएब अख्तर जो कि परफॉर्म कर चुके हैं और जो बता चुके हैं कि वो सुपरस्टार हैं, उनके अपने अल्फाज हैं कि हमारी टीम में से वो कोई सुपरस्टार नहीं है, तो सो कॉल्ड सुपरस्टार का एक परसोना बरकरार रखने के लिए कहा गया है कि जी इनको आराम दे रहे हैं और इनकी जगह अबरार को लेकर आ रहे हैं। बहरहाल थैंक यू सो मच सजू भाई, इंशाल्लाह कल मंडे को जो है वो आपसे बात होगी इसी मैच की डिटेल के साथ इसी शो में, और तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा सजू भाई, थैंक यू सो मच, और नाज़रीन आपसे एक वक्फे के बाद मुलाकात हो रही है, हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, पाकिस्तान मीडिया की हिस्ट्री में पहली बार बोल न्यूज पर आने वाला है एक नया शाहकार, जहां आप आलमी मंजरनामे की हर खबर से बाखबर रह सकेंगे, अमरीकी इलेक्शन की अपडेट हो या फिर गजा में जंगी सूरत हाल, अब बड़ी खबर अब बनेगी फ्रंट पेज की जीनत, बोल न्यूज का नया शो फ्रंट पेज 2 सितंबर से पीर से हर सुबह 8:30 बजे आप देख सकेंगे, इस शो में दुनिया के कोने कोने से हम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, वो भी मोतबर तबसरों और तजियों के साथ, इस शो की मेजबानी की जिम्मेदारी उठाई है हमारे बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड एंकर्स ने, जो कि आज हमारे शो का हिस्सा भी हैं, अरीबा फातिमा और
मोहिदुर रहमान, इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, अस्सलाम वालेकुम मोहिद, वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द बोल फैमिली। थैंक यू वेरी मच मोहिद, लेट्स स्टार्ट विद यू। तो क्या है ये आपका शो फ्रंट पेज, टेल अस समथिंग अबाउट इट। सो बेसिकली फ्रंट पेज जो एक तख्लीक किया गया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि वैसे तो फहीम भाई नॉर्मली खबरें आती हैं और फिर हम उस साथ कंटिन्यूएशन कर देते हैं, या हम आपको खबरें एक बहुत ही नए जाविये से देंगे और उस जाविये से देंगे जो किसी ने पहले नहीं देखी। लेट मी इंटरप्ट यू प्लीज, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि हम भी खबर चलाते हैं ना, अब गजा की आपने बात की, इलेक्शन की आपने बात की, हम आज खबर चलाएंगे कल कोई और खबर होगी हमारे पास, बिल्कुल फॉलो अप नहीं होता। एग्जैक्ट, आप इंटरनेशनल जो जितना भी ग्लोबलाइजेशन है, ये ग्लोबल विलेज को आप एक साथ लेके उसका फॉलो अप भी इस शो के अंदर आएगा। दैट इज करेक्ट। ओके, बल्कि मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे शो के जॉनर्स में ग्लोबल इकोनॉमी इज अ वेरी मेजर थीम। और अब जब हम ग्लोबल इकोनॉमी का वर्ड नाजरीन को पोस्ट करते हैं तो एक बहुत अफलातून सी चीज सामने आती है और फिर अमेरिकन ड्रीम भी टूट जाता है ना जब पता चलता है 31 ट्रिलियन के लॉस में जा रहा है अमेरिका। एग्जैक्टली, बट हम नाज़रीन को बताएंगे किस तरह उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो ग्लोबल इकोनॉमी से किस तरह कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे एक रोटी का टुकड़ा भी ग्लोबल इकोनॉमी से उसकी अगर गंदम की कीमतें पूरी आलमी मार्केट में ऊपर जाती है तो यहाँ आटा भी महंगा हो जाता है बिकॉज उसकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। गोल्ड रेट्स फॉरेक्स पे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी फ्यूल रेट्स, उसका इन सब चीजों का हमारी डेली लाइफ से बहुत गहरा ताल्लुक है और हम डिस्कनेक्ट भी बहुत ज्यादा है अरीबा इन चीजों से कि जब यहाँ पर बात होती है तो हम आर्गुमेंट करने निकल जाते हैं, हम एहतजाज करने निकल जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इंटरनेशनल इस चीज के पीछे क्या लॉबी चल रही है। Absolutely. तो ये सारी चीजें भी होंगी। कैसा लग रहा है आपको इस शो का हिस्सा बन के? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर दिस शो इज के हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया पे इन जनरल फोकस नहीं होता। लाइक एस लाइक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ओके, तो जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलप हो रही है, ये चीज़ें पाकिस्तानी ऑडियंसिस को उस तरह पैकेज करके नहीं मिलती जिस तरह उनको वो डिजर्व करते हैं टू नो टू बी ऑनेस्ट। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान में आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि दुनिया में क्या हो रहा है एंड वेयर वी स्टैंड इन रिस्पेक्ट टू दैट। तो जैसे हमने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, क्वांटम कंप्यूटिंग देख लें, ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में इसके ऊपर एक ग्लोबल डिस्कोर्स मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में कोई डिस्कोर्स नहीं। हाँ, पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह जाता है, पिछड़े हुए देशों के अंदर हमारा शुमार होने लगा है। अब ये इंडियन फिल्मों से डायलॉग जो है वो मैंने अभी अभी अडॉप्ट किया है कि हमें पिछड़े हुए देशों में डाल दिया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज कि आप हमें कनेक्ट कर रहे हैं। और बताइए हाउ डू यू फाइंड बोल, कैसा लगा आपको बोल का हिस्सा बनके? इट हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड द टीम हैज बीन अमेजिंग, द मैनेजमेंट और जिस तरह हमें यहाँ पे सेटल इन हम हुए हैं बहुत क्विक टाइम में हुए, वो सारे टीम वर्क के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि अब हम अपना शो इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू यू टू। और मुझे बताइए अरीबा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बोल के साथ? Actually, this is both of I'm our sorry, first... मैं अकेला कॉफी पी रहा हूं, sorry to tell you. मैं माजरत चाहता हूं, आप लोगों के लिए मैंने मंगवाई है। नहीं, this is actually both of our first time on television, तो काफी interesting रहा। प्रोग्रामिंग टीम के साथ हमने बहुत कुछ सीखा and in fact इतनी जल्दी उन्होंने हमें प्रिपेयर किया तो ये काफी सैल्यूट है बोल के। Seriously, on a broadcast? Yes. अरे यार मुझे बिल्कुल आपका प्रोमो देख के आप लोगों से बात करके तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मतलब आप लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छा खासा टाइम गुजार लिया है। You guys have done your homework. काफी टाइम से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई मसला ना हो, हम बिल्कुल तैयार हो। Practice makes man perfect. Absolutely. Including women as well. लेकिन generally man perfect. Exactly. अच्छा मुझे ये बताइएगा, tell us something about your show. क्यों देखें लोग आपका शो? देखें, मैंने जैसे नाज़रीन को शुरू में भी कहा फहीम भाई, और एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आई एम श्योर ग्लोबल न्यूज़ कवर की जाती है बट आप जनरली देखेंगे कि जो बैनुल-अक़वामी खबरें होती हैं वो किसी खबरनामे के भी बिल्कुल आखिर में आती हैं, आखिरी चंद मिनट में। बिल्कुल, हमने पूरा इस पर एक शो डेडिकेट किया और बताया कि पाकिस्तान, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया से, हमारे लोग पाकिस्तान को एक अलग कंसिडर करते हैं, बट वी नीड टू सी पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू द एंटायर वर्ल्ड। तो दुनिया की खबर से बाखबर रहना बहुत जरूरी है। सो लेट मी टेक एन एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस। हम एक छोटा सा चंक जो है वो कोई न्यूज आपके पास अभी आई हो जो कि इसराइल से रिलेटेड हो, रशिया से रिलेटेड हो, या किसी न्यूज के ऊपर आप लोग इस पर काम कर रहे हैं जो कि मंडे को होगा, तो उसके बारे में जरा हमें बताइए ना, जिससे हम अभी तक डिस्कनेक्ट हैं, लाइक इकोनॉमी। एग्जैक्टली, अब इकोनॉमी से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि किस तरह जो एक रिसेंट अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस रिसेंटली आया, कि हाउ लो इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली अभी अमेरिका में इस वक्त जो फेडरल एक्सचेंज का जो
बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है, उसका बाकी पूरी दुनिया पे किस तरह इम्पैक्ट आ रहा है हम नाज़रीन को उस हवाले से भी आगाह करेंगे, और किस तरह जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है उनको किस तरह इम्पैक्ट करी है और उससे डेवलपिंग वर्ल्ड पे किस तरह असर पड़ा। अब आप देखें इस वक्त डेवलपिंग वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है जिसमें हमारा मुल्क शामिल है, श्रीलंका शामिल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें एग्जैक्टली तरक्की पजीर ममालिक चले कह लें, एग्जैक्टली थर्ड वर्ल्ड तो लोग कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड तो लोग कहते हैं, हम तरक्की पजीर डेवलपिंग वर्ल्ड, उसका सबसे बड़ा फहीम भाई इस वक्त क्राइसिस है जो आपका जो डेट डोमेस्टिक डेट क्राइसिस है, और उसको हमें हम उसको नहीं एड्रेस करें क्योंकि हमें बड़ा खौफ आता है, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि वी आर एक्चुअली taking doing we are actually delaying at the risk of our future generations the entire developing world I just what Mohiz is trying to say in a very simple way is ke bahut sari aisi cheeze hoti hain jo log nahi jinse engage karte kyunki unhe thodi intimidating lagti hain exactly ki hum kaise samjhenge ki duniya mein kya ho raha hai hame kaise pata chalega ane bahut sare log ye kehna hota hai ki ji america mein ho raha hai na hame kya farak padta hai exactly for example us election ka puri duniya se kya taluq hai pakistan se kitna gehra taluq hai so this show is basically about everything outside of pakistan mane bada gehra taluq hai biden ko koi absolutely not keh de to effect hota hai to ye matlab kafi gehre taluqat hain aise international level ke upar fir wo bhi keh dete hain absolutely not to ye sari cheeze connected hain so how do you find bowl riva maine aapse shayad pucha nahi sawal ha nahi nahi bowl like I said was a very fun experience to be and honestly mujhe sabse achhi baat ye lagi ki team ne hame bahut jaldi up to pace kara hum kafi jaldi humne cheeze seekhi एंड जैसे हम अभी कुछ दिनों पहले डिस्कस कर रहे थे कि अभी आपको शायद पता हो कि स्पेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स फंस गए हैं, 8 दिन की उनकी जर्नी थी, अब वो 8 मंथ्स की हो गई है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इनको कहते हैं फिनोमेनाज ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस कि वो दुनिया में सिर्फ एक मुल्क या एक खत्ते से रेलेवेंट नहीं होती, वो पूरी दुनिया पूरे ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को असरअंदाज कर रही होती है। Exactly. तो हम अपने शो में कोशिश ये करें कि वी टॉक अबाउट बिग आइडियाज, जैसे 19th सेंचुरी में द बिग आइडिया वॉज स्टीम इंजन तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, 20th सेंचुरी में द बिग आइडिया वॉज कंप्यूटर द इंटरनेट द .com थिंग, अब 21st सेंचुरी में व्हाट इज द बिग आइडिया पीपल डोंट नो AI? It's really hard to actually pinpoint. मैं प्रोग्राम देखूंगा उसके लिए। और मैं अगर मैंने आपको जवाब दे दिया फिर मैं प्रोग्राम देखूंगा। मैं वैसे नाज़रीन को भी एक स्पॉइलर मैं इतना छोटा सा दे सकता हूँ कि नाज़रीन अगर आपको टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई बहुत जबरदस्त अपडेट्स चाहिए वो वैसे तो हम फ्रंट पेज में कवर करेंगे, बट जो मेरी जो को होस्ट है रीबा, शी इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजी। ओह रियली? यस, वाओ, दैट्स ग्रेट। ही इज रियली गुड विद इकॉनमी, आई एम रियली गुड विद टेक्नोलॉजी, एंड वी बोथ आर वेरी गुड विद आई एम वेरी गुड विद कॉफी। यही पूछना चाह रहा था मोहिज़, आप दोनों से पूछना चाह रहा था, अच्छा वो आपने इसके ऊपर पॉइंट आउट किया इसे, व्हाई 8:30 इन द मॉर्निंग, मतलब बच्चे स्कूल जा चुके हैं, लोग ऑफिस को जा चुके हैं, क्यों 8:30 बजे? देखें बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है, हमने देखें अब इंटरनेशनल शो है तो हमने इंटरनेशनल ऑडियंस को भी तो एंगेज करना है, और सबसे दुनिया की इस वक्त मेजर इंटरनेशनल ऑडियंस किधर है? वेस्ट ऑब्वियसली द यूएस, वहां पे ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जाएं, तो हमने उनका भी जरा ख्याल रखना था कि शो ऐसे टाइम पे है कि वहां भी देख सकें, और यहां भी आई थिंक हम सारे लेट नहीं उठते, इवन तो कहते हैं कि पाकिस्तान में लोग थोड़ा देर से जाते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सुबह उठते हैं, मैं तो जैसे बहुत जल्दी उठता हूं, तो मैं तो बड़ा खुश हूं सुबह 8:30 बजे, पाकिस्तान की हर माँ बहुत सुबह उठती है और बच्चे को जब वो स्कूल भेज चुकी होती है तो फाइनली वो एक घंटा होता है, पाकिस्तान की हर माँ सुबह उठती है और ज्यादातर बाप सुबह सोते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरिबा मोइज, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द शो। नाजरीन पीर की सुबह 8:30 बजे फ्रंट पेज आप लोगों ने जरूर देखना है, और अपने रिव्यूज जो हैं वो शेयर करने हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, जो कि आपको उसी वक्त प्रोग्राम के साथ बता दिए जाएंगे, और आपके प्रोग्राम की मेजबानी करेंगे अरिबा और मोइज, और आपने इन्हें भी उतना ही प्यार देना है जितना आप पूरे बोल के एंकर्स को देते हैं। हम दे रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा जरूरी है, सी आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको शामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं, और अब बात कर लेते हैं कुछ कारोबार की, कुछ परेशानियों की, कुछ बंदिशों की, और कुछ ऐसी सप्लाईज की जिसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है। फ्रीलांसर्स हों या ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद, पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि के बाइस मुश्तरका प्लेटफॉर्म बनाकर रोजगार देने वाले बहुत से कॉल सेंटर्स और बैक ऑफिस का काम भी ठप पड़ गया है। अब पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस अक्टूबर के अवाइल तक सुस्त रहने की तवक्को जाहिर कर दी है, यानी मजीद अगले माह तक इंटरनेट की स्पीड में
में बेहतरी की उम्मीद नहीं है। पीटीए के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह सबमरीन कैलिबर सबमरीन केबल्स की खराबी है और 2 से 3 माह जो है इसमें लग सकते हैं इसको ठीक होने में। इसकी मरम्मत जो है वो कर दी गई है। दूसरी केबल अक्टूबर में ठीक होने का इम्कान है। इंटरनेट की दुनिया में दुनिया भर की लातादाद मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी सर्विसेज के लिए थर्ड पार्टी हेल्पलाइन सर्विस और कॉल सेंटर लेती हैं। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को देखते हुए यह कारोबार पाकिस्तान के लिए बेहतरीन जर मुबादला इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब बैक ऑफिस बंद होने लगे हैं। सुस्त इंटरनेट की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने मुआहदे खत्म कर दिए हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ तुफैल अहमद साहब मौजूद हैं, फ्रीलांसर्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम तुफैल। वालेकुम सलाम। अच्छा तुफैल, बताइएगा कि ये इस वक्त हमने पहले भी इस पर बात की थी कि जी बैक ऑफिसेस पर भी बात की थी हमने, और मुझे अच्छी तरह याद है फाइवर के लिए भी जो है वो हमने वीपीएन के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उस पर बात की थी। अब क्या असर पड़ने वाला है जबकि बता दिया गया है कि जी अक्टूबर तक तो ये मामला ऐसे ही रहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इस पर बारह हमने आपके तवसुस से भी बात की है, मेरी खुद भी स्टेक होल्डर से बात हुई है, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से भी मुलाकात हुई थी और हमने इसका जिक्र किया। देखिए अभी हम बार बार जो बात कर रहे हैं फ्रीलांसर्स की या आईटी कंपनीज की, आप हमें उन लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो डिलीवरी करके रोड पे रोजाना की बेसिस पे कमाते थे। राइडर्स हैं, राइडर्स जो कैप्टन हैं वो बहुत ज्यादा इससे मुतासर होते जाएंगे और ऑब्वियसली ये अब हमें जो पता चला है कि इसका रीजन के वो सब मरीन केबल की जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे थे, तो ये आप समझे कि अगर ये कंटिन्यूसली अक्टूबर तक बिल्कुल ही ऐसा रहता है और ये खराब होता जाता है तो इससे वो भी बहुत मुतासर होंगे। और जैसे आप कितने लोग तुफैल अंदाजन कितने लोग मुतासर इससे हो रहे हैं इस वक्त और आगे होने का खदशा है? देखिए ज्यादातर जो है ना वो लोग मुतासर हो रहे हैं जिनके इंटरनेट की सुस्त रवि, जो कि मोबाइल डेटा का इस्तेमाल अगर रोड पे कर रहे थे, जैसे कि एक राइडिंग ऐप है वो रोड पे इस्तेमाल करके डिलीवरी करते थे एक घर से दूसरे घर, वो सबसे ज्यादा मुतासर है क्योंकि उनकी जो ब्रेड एंड बटर थी सिर्फ वही थी। एक फ्रीलांसर तो चले शायद पाकिस्तान में काम करके कुछ कमा ले, अगर उसके पास स्किल्स हैं वो शायद शिफ्ट होना शुरू हो जाए। और फिर मैं समझता हूँ जहाँ बारह जिक्र कर रहा हूँ फहीम भाई इसका, कि जो लोग फ्रीलांसिंग में आना चाहते थे जिनको हम पुश कर रहे थे यूनिवर्सिटीज में जाके, हम जिनका रोड शोज करके आईटी कोर्सेज करवा रहे थे जिनको आप, वो जो है ना वो बड़े मुतासर होंगे कि हम ऐसी फील्ड में क्यों जाएं जहाँ पे पाकिस्तान में इंटरनेट में स्लो कनेक्टिविटी या इंटरनेट के इशू रहते हैं। अच्छा तो फिर मुझे ये बताइएगा कि ये मसले शुरू हुए हैं और एक अफवाह शुरू हुई निकली कि जी फायरवॉल का सीन है, कोई को फायरवॉल लगाया जा रहा है, पता नहीं वो इंस्टॉल हुआ भी कि नहीं हुआ, मेरे पास कोई अभी तक ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। फिर ये अचानक से केबल्स के ऊपर बात आ गई कि जी ये केबल है एक सबमरीन उसका मसला है, उसे हम रिप्लेस करेंगे अक्टूबर तक। ये मसले मसाइल हकीकतन हैं क्या, आपके पास कोई इंसाइट इसकी है? नहीं देखिए मेरे पास भी ऐसी कोई इंसाइट नहीं, बट मैं समझता हूँ कि जो भी अभी लास्ट टाइम मिनिस्टर ऑफ आईटी थे हमारी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमने कुछ ऐसी ब्लॉकेज नहीं की है, हमने कोई इंटरनेट बंद नहीं किया है। और मैं समझता हूँ देखिए इंटरनेट पे तो सभी काम कर रहे हैं और हर किसी का जो कनेक्शन है कम्युनिकेशन का एक जरिया है वो इंटरनेट है, पूरी दुनिया में अपने टैलेंट को दिखाना या अपनी आवाज पहुंचाना, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सबमरीन का ही इशू हो शुरू से। और अभी लास्ट टाइम भी मिनिस्टर ऑफ आईटी ने कहा है कि इसका बैकअप, मैं फहीम भाई आपके तवसुस से दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, अगर इंटरनेट हमारी इतनी जरूरत है, हम इतना कमा के दे रहे हैं ना सिर्फ फ्रीलांसर और आईटी कंपनी, तो जैसे कोविड के अंदर एक विंग बना दिया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो आई थिंक इंटरनेट का प्राइवेट और गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ मिलके एक्सपर्ट्स के साथ मिलके एक विंग बनाना चाहिए इंटरनेट डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेट की कोई कनेक्टिविटी स्लो हो या इंटरनेट बंद हो तो वो विंग एक्टिव हो जाए और वो विंग आके सारे जवाब दे जो आपके पास भी नहीं है जो मेरे पास भी नहीं। दुरुस्त, बड़ा अच्छा आपका एक ये आपकी तजवीज़ है कि इंटरनेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नाम से जो है एक विंग बनना चाहिए, लेकिन तो फैल जब तक ये विंग नहीं बन रहा है यकीनन आपको और मुझे ही जो है वो कुछ सिरे तलाश करके जोड़ने होंगे और हमें ही जो है वो डॉट्स को कनेक्ट करना होगा। तो फिलहाल अगर हम ये मान लेते हैं कि जी ठीक है केबल्स का मसला है और ये अक्टूबर तक जा रहा है, मुझे ये बताइएगा कि इकोनॉमी पर इससे कितना असर पड़ने वाला है, आपके पास कोई फिगर्स हैं कोई फैक्ट्स हैं आपके पास तो प्लीज़ शेयर करें। देखिए मैं एक फिगर आपको, नेट ब्लॉक एक इदारा है जो कि
वर्ल्ड बैंक और डिफरेंट इदारों से जो है ना वो एलिमेंट्स लेके बताता है कि अगर 24 घंटे सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर बंद हो जाए, 24 घंटे पूरा इंटरनेट अगर बंद हो, जो अभी नहीं है, अगर बंद हो तो 50 मिलियन डॉलर का नुकसान है एक दिन का। 50,000 मिलियन डॉलर जी, अगर सारी चीजें बंद हो जाए, चाहे वो शट डाउन अगर हो जाता है इंटरनेट, तो अब आप उससे अंदाजा लगा लें कि इस तरह से रोजाना की बेसिस पे जब ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होगा तो लोग जो है रीलोकेशन की तरफ भी फिर जाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त। और अब मेरे ख्याल में लोग बांग्लादेश और इंडिया की तरफ जो है वो बढ़ गए हैं इसके रिलेटेड, अपने बैक ऑफिसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के भी डिस्टर्ब हुए हैं। अभी हमने जो आईटी की नुमाइश हुई है कराची के अंदर, उसमें भी हमने देखा कि लोगों के गिले यही थे कि हम कर तो रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस, लेकिन इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए जो मेन सोर्स है इंटरनेट, वही जब अवेलेबल नहीं होगी तो हम ये इतने बड़े बड़े सुपर और मास्टर कंप्यूटर्स कहाँ लेके जाएं। बिल्कुल ऐसी है सर, इंटरनेट जो है वो सिर्फ अब आज एक इदारे की, एक फ्रीलांसर की नहीं, आप जैसे मीडिया के लोग जो है वो भी इंटरनेट के थ्रू बहुत उसमें आवाज उठाते हैं। दूसरी कम्युनिकेशन जो चैनल है आपका वो भी एक इंटरनेट ही है। अब यूट्यूब पे जो है ज्यादातर मीडिया हाउसेज भी बने हुए हैं, उस सारे मुतासर होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। आप कोई तजवीज देना चाहेंगे फ्रीलांसर्स को अपनी एसोसिएशन की तरफ से कि भाई रिलैक्स रहें और कोई टेंशन की बात नहीं है, अक्टूबर तक जो है वो सारे मामला सही हो जाएंगे? आपके पास है इस चीज की वेरिफिकेशन? तो है, बट इसमें मैंने जब से जुलाई से मसला शुरू हुआ था, क्योंकि मैं खुद रोड शोज पे था पंजाब में, आपको भी पता है, तो मैंने ये करना शुरू किया था अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर कि जिन ऑफिस के अंदर अच्छे वाईफाई स्टेबल कनेक्शन चल रहे थे जुलाई से, तो मैंने कुछ जगहों पे अपने ऑफिसेज भी थे मेरे, तो कुछ जगहों पे हमने रिक्वेस्ट ये करनी शुरू की कि हम उन लोगों को अकोमोडेट करें जिनके पास बिल्कुल कोई इंटरनेट बैकअप नहीं है, उनका इंटरनेट सही नहीं चल रहा होते जा रहे, तो मैंने उनको जगहें देनी शुरू कर दी कि आप इस ऑफिस को यूज कर लें एक महीने के लिए, डेढ़ महीने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके तवस्सुस से बोलना चाहूंगा कि जिन ऑफिस में जगहें हैं, स्पेस है, तो वो ड्यू डेलिजेंस करके, चाहे वो फ्रीलांसर हो या कोई और हो, उसको इंटरनेट के लिए अपनी जगह दे सकता है ड्यू डेलिजेंस करके, उसको एक महीना डेढ़ महीना अगर उसका इंटरनेट नहीं, अच्छी खासी जगह इंटरनेट चल भी रहा है, तो मैं चाहूंगा कि वो जरूर दें, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो वही जैसा ऑफिस हो या कोई मीडिया हाउस हो, अगर उन लोगों के पास जगहें हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं इस तरह से, तो वो जरूर टेम्पररी के तौर पर ड्यू डेलिजेंस करके उनको जगहें जरूर दें। नहीं, ये बड़ी अच्छी एडवाइस है तो फैला आपकी कि जिन लोगों के पास स्पेस है और इंटरनेट अच्छा चल रहा है तो वो उन लोगों को जरूर स्पेस दें जिन लोगों के पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है और जिनकी जॉब्स पे असर पड़ रहा है। थैंक यू सो मच तुफैल, आप हमारे साथ थे और जी कोवर्किंग स्पेसेस बनी है, तो उनको भी थोड़ा डिस्काउंट दे के जो है उनको चाहिए कि 50% डिस्काउंट रख दे जब तक इंटरनेट का इशू सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि जो वर्क डेस्क आपको देते हैं उन्हें भी जो है वो डिस्काउंट देना चाहिए। थैंक यू सो मच तुफैल, आप हमारे साथ थे और की पॉइंट्स जो हैं वो आपने इस इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है दुनिया बोल रहे हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है मैं, और कहते हैं कि फन की कोई आखिरी हद नहीं होती है। हमारे प्लेटफॉर्म से अक्सर हम आपको मुनफरिद और दिलचस्प फनपारों और इनके आर्टिस्ट से मिलवाते रहते हैं, मगर आज हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान जो कि लीफ आर्ट के मुनफरिद शाहकार बनाते हैं। हालांकि इस मीडियम में बहुत कम आर्टिस्ट काम करते हैं, कामरान खान दरख्त के पत्तों पर बनाई गई इंसानी तस्वीर इतनी महारत से बनाते हैं कि जो देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। भाई कामरान खान साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि ये फ़न उनके पास कब आया, कैसे आया और कहाँ से आया। वेलकम टू द शो कामरान साहब। थैंक यू सर। अच्छा कामरान, बताइए ये पत्तों के ऊपर बनाना कब से सीखा आपने? सूखे पत्तों का जिक्र हमने काफी शायरों की किताबों से तो अखज किया है, लेकिन मुसव्विरों के पास पहली बार पहुंचा है। जी ये आर्ट तकरीबन मैं शुरू से और बचपन से करता था, लेकिन मेरा शौक था ये, तो मैंने सोचा था कि इसे एक यूनिक बनाना चाहिए, तो मैं लीफ आर्ट की तरफ गया और तकरीबन एक साल से मैं लीफ आर्ट कर रहा हूँ तकरीबन। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के आपने ये आर्ट बनाए हैं या और उनसे रابطہ हुआ है? रابطے तो बहुत के साथ हुए, अभी तक मैंने जो है बाबर आजम का स्केच बनाया है, अरशद नदीम का बनाया है, और भी दीगर शख्सियत है ना उसके बनाए, वो एक टेक्यार वाला ताहिर खान था उसका भी बनाया है,
और भी दूसरे अशखास के इंशाल्लाह बनाएंगे इरादा है। किस किसने आपसे रابطہ किया, किसने अप्रिशिएट किया, किसी किसी से बात हुई आपकी अरशद नदीम से या बाबर आजम से या किसी और सेलिब्रिटी से? सेलिब्रिटीज में तो अभी तक कोई खास बात नहीं हुई किसी से, लेकिन सिर्फ ताहिर खान जो था उसने इनवाइट किया था और एक चैलेंज जैसा था उसने दिया था सोशल मीडिया पे, वो कंप्लीट हुआ मेरा, तकरीबन 5 मिलियन व्यूज आए थे उस पे, तो उन्होंने सिर्फ इनवाइट किया था। तो कोई बाकी इस तरह बताइए कि रोजगार क्या है, किससे रोजगार आपका, क्या शोभा, किस शोबे से आप वाबस्ता है या यही बनाकर जो है वो आप गुजर बसर कर रहे हैं? बेसिकली मैं खुद एक स्टूडेंट भी हूँ और छोटा मोटा कारोबार है हमारा। अच्छा। और बस वही जब ये आर्ट वगैरह करता हूँ तो फिर इससे तकरीबन 4-5 घंटे से निकालना पड़ता है इसे। अच्छा अच्छा, यानी ये आप शौकिया कर रहे हैं? जी ये मेरा शौक है जी। अच्छा जबरदस्त, बेहतरीन। तो ये शौक आपने बताया बचपन से आपको था, तो कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई किसी को देखा होगा, कोई इंस्पिरेशन ली होगी, किसी को देख कर सोचा होगा यार मैं भी बनाऊंगा, क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली? जिस तरह मैंने बताया कि आर्ट और ड्राइंग वगैरह का शौक मेरा बचपन शुरू ही से ही था, लेकिन ये लीप आर्ट जो है ना, एक बंदा मुझे, मैं देख रहा था वीडियो में वो लीप आर्ट बना रहा था, तो मैंने भी सोचा कि चले इस यूनिक आर्ट की तरफ चले जाए, तो फिर उसके बाद मैंने अपना ट्राई और प्रैक्टिस स्टार्ट किया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी काफी एक्सपीरियंस भी है जी। जबरदस्त। अब तक कितनी आप जो है वो स्केचेस बना चुके हैं इस लीफ पे? मैं इसे स्केचेस कहूंगा, वैसे इसे कहते क्या ये भी बता दीजिएगा मुझे। तकरीबन आज तक तकरीबन 40-50 बनाए होंगे। अच्छा 40-50 बना चुके इससे शायद। जी जबरदस्त। अच्छा आपने बताया आपकी वीडियो वायरल हुई थी, कोई 4-5 मिलियन व्यूज आ गए थे, तो क्या आप ये आर्ट बनाते हुए वीडियो भी बनाते हैं, उसे रिकॉर्ड भी करते हैं? जी मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ, फिर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन पे शेयर करता हूँ, तो काफी लोगों की तरफ से काफी माशाल्लाह सपोर्ट मिल रहा है और अप्रिशिएशन भी जो है ना मिल रही है। जबरदस्त। तो मुझे बताइए 40-50 अगर आपने फन पारे तैयार कर लिए हैं तो इनकी एग्जीबिशन वगैरह का सोचा है कुछ? जी रिजर्व करने के लिए तो इसे एक मटेरियल मिलती है ग्लो टाइप, उससे रिजर्व हो सकता है और दूसरे जो है फ्रेम के जरिए भी इसे रिजर्व कर सकते हैं जी। नहीं नहीं मैं एग्जीबिशन, आप शायद सवाल नहीं समझे थे, मैं पूछ रहा हूँ इसकी कोई एग्जीबिशन लगानी है आपने, कोई नुमाइश इसकी अपने कहीं अरेंज की है, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर पेंटिंग्स की होती हैं? नहीं वो तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ वो यहाँ नहीं ना, तो बनाई है लेकिन एक बनाए एक प्रोग्राम के तहत बनाए जी। चलें जबरदस्त। अच्छा ये जितनी भी आपकी तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर मर्द हजरात के ही जो हैं वो स्केच हैं, तो ख़वातीन की आप तस्वीरें बनाते नहीं हैं या अभी तक किसी ने रابطہ नहीं किया? बस अभी तक किसी खास बंदे ने रابطہ नहीं किया, लेकिन बनाता हूँ, सबके बनाते हैं जी। हमारा भी कोशिश रहते हैं कि इंशाल्लाह प्यार सबको देंगे, वो इंशाल्लाह सबका बनाएंगे। ज़बरदस्त। चलें थैंक यू सो मच कामरान, बेस्ट ऑफ लक, आपका फ़न बहुत ही खूबसूरत है बड़ा, और हम चाहते हैं कि दुनिया भर तक ये जो है वो फ़न पहुँचे पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी आर्टिस्ट की जानिब से। नाज़रीन एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन, और जो सरप्राइज था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, तब्दीली वक्त का तकाजा है, जो लोग वक्त के साथ खुद को नहीं बदलते वो वक्त से पीछे रह जाते हैं। मुख्तसरन वक्त के साथ तब्दीली जरूरी है, और अब यही तब्दीली दुनिया बोल है में होने जा रही है। मैंने बतौर मेजबान इस शो का 3 साल पहले तला और वर्दा के साथ जब आगाज किया था तो हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी आप लोगों का इतना प्यार हमें मिल पाएगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। 3 सालों के दौरान हमने बहुत कुछ बदलते देखा है, और अब एक और बड़ी तब्दीली आने जा रही है। इस शो की मेजबानी के फराइज अब मैं मुंतकिल करने जा रहा हूं आपके सामने। यहां पर दो बड़े ही खूबसूरत मुअज्जज मोहतरम दोस्त और कलीग मौजूद हैं, और फैसल करीम सोनिया संदस अब से इस शो की मेजबानी के फराइज निभाएंगे। फैसल करीम को आप सब ही जानते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का जाना माना नाम है, कई चैनल्स के ऊपर बतौर एंकर खिदमात अंजाम देते रहे हैं, और यहां आने से पहले 2 दिन पहले भी कहीं ना कहीं लाइव आप देख ही रहे थे इनको। और इनके साथ सोनिया संदस मौजूद है, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनके मुनफरिद अंदाज मेजबानी की हर तरफ चर्चे हैं। सो गाइज संभालिए, मैं निकला। ओके 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 ओ सॉरी मंडे से आ रहे हैं भाई, मंडे से आ रहे हैं। सो वेलकम टू बोल,
both of you. Thank you so much and very good morning to all of you. And rise and shine and thank you so much for having me over. Oh, yes. हम जितने आप excited हैं उससे कहीं ज़्यादा हम दोनों excited हैं क्योंकि हमारे लिए भी surprise था ये promo. अच्छा. हमें यहाँ बिठा के promo जो है वो play किया गया है. हमने कहा अब आप लोग जब handover हो ही रहा है तो proper handover हो और बोल को तो आदत हो गई है handover की तो हमने जो है वो properly आपका handover कर दिया है show बेहतरीन तरीके से. अब आपने जो है वो ये जिम्मेदारी संभाल लेनी है. फैसल, how's everything going? How's life going? How's your experience in bowl? जरा क्विकली हमारे साथ शेयर कीजिए. कल मंडे से ये सारे सवाल आपने करने हैं लोगों से तो मैंने कहा सारे एक साथ ही पूछ. मैं जिंदगी के 30 मिनट पहले की बताऊं या पूरा बता दूं कि 30 मिनट पहले तो बर्बाद थे. वो तो बर्बाद थे. 30 मिनट पहले की तो बर्बाद थी. तो लाइफ स्कोर बहुत अच्छी है और फहीम भाई आपसे वैसे तो गाय बगाय मुलाकात होती रहती है बट जब मुझे पता चला कि फहीम भाई कर रहे हैं तो मैंने कहा यार फिर हम क्यों, मतलब एक बंदा कर रहा है सही है तो फिर ठीक है. सर मैं आपका इंतजार कर रहा था. मैं शो नहीं कर रहा था, मैं आप दोनों का इंतजार कर रहा था कि कब आएंगे आप दोनों. और डेफिनेटली आप अपने लेवल के ऊपर आप माशाल्लाह से दोनों ही अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो अब आप जिस लेवल पे इस शो को ले जाएंगे इंशाल्लाह दैट आई कैन ओनली इमेजिन. होपफुली देखें फहीम भाई बात करते क्या होती है. आज से 10 साल पहले भी क्राइसिस था. बिल्कुल था. आज भी है, आज के बाद भी होगा. आज से 10 साल पहले भी पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, आज भी होगा, 10 साल बाद भी इंशाल्लाह होता ही रहेगा. द आइडिया इज के हम उसको किस तरीके से बयान करते हैं. बिल्कुल. जैसे कि आपने अपने इब्तदाई के पहली ही जो लाइन थी उसमें कहा कि भाई जो तब्दील नहीं होते हुए उनको वक्त तब्दील कर देता है. बिल्कुल ऐसा ही. तो प्रेजेंटेशन का, कहानियां बताने का, गुफ्तगू का अंदाज बदला है, प्लेटफॉर्म बदला है, तरीका बदला है. तो हम सब कुछ तो नहीं बताएंगे अभी आपको, लेकिन जरूरी है. हाँ, लेकिन अभी बहुत कुछ बदलेगा नाज़रीन. ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सारा माहौल देख रहे हैं, ये सब भी बदलेगा. बिल्कुल इंशाल्लाह फॉर श्योर बदलेगा. और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी बात को कुछ इस तरह से कन्वे करें कि यू नो पॉजिटिव वे में पॉलिटिकल चीज़ें बयान करना थोड़ा सा मुख्तलिफ और मुश्किल है, लेकिन हम दोनों की कोशिश यही है. इनफैक्ट हम दोनों इस सेम पेज पर हैं इस तरह से कि हम इस चीज़ को पॉजिटिवली कन्वे करें. लाइक पॉजिटिव पाकिस्तान जो है वो पोर्ट्रे किया जाए. और अगर देखें दुनिया में हर जगह बहुत सारी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पॉजिटिविटी ज़रा कम है. हम चाहते हैं कि हमारी जात के थ्रू और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पॉजिटिविटी जो है वो फैलाएं. जबरदस्त, बेहतरीन. बोल में आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेडीज फर्स्ट. तो मैं पहले जो है वो सुनिया आपसे पूछना चाहूंगा. बोल में आपने पहले, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहना चाहूंगा बोल फैमिली में, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही पुराना हूँ और शदीद पुराना हूँ तो मैं आप लोगों को इस हक से ये कह सकते हैं बोल की पैदाइश से मैं यहाँ पर हूँ या आप कह सकते हैं. तो आप लोगों का जो है वो खुशामदीद. कैसा लगा आपको बोल का एनवायरमेंट, कैसे लगे आपको लोग? अभी तो खैर शुरुआत हुई है, तो आने का जब आपने फैसला किया होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ देख के आपने कहा होगा नो आई हैव टू डू दिस. बिल्कुल ऐसा ही है. सबसे पहले तो ये होता है कि लाइक आप जब दाखिल होते हैं और आपको एनवायरमेंट से कैसी वाइब्स आ रही हैं, तो आई गॉट माशाल्लाह वेरी पॉजिटिव वाइब्स. हमारे जो कोऑर्डिनेशन के लिए जो हमारी टीम है वो भी बड़ी वेलकमिंग है. जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको भी बताना नहीं पड़ता. फैसल से जब मेरा तारुफ हुआ उसके बाद हमारी एक इंटरेक्शन हुई, वो भी माशाल्लाह से एक होता है ना केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है आपकी. तो मैं ओवरऑल माशाल्लाह आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल एंड आई एम ग्लैड कि मैं बोल का पार्ट हूँ और पार्ट बनी हूँ और बोल ने मुझे इस लायक समझा और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ. यू डिजर्व डेफिनेटली. आप अगर इस शो की मेजबानी करेंगी तो इस शो के लिए, चैनल के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी चीज है. और मेरी और तारीफ कर दे मेरी यार आपकी. और इन्होंने अभी तो 55 की हुई है. मैं बहुत ज्यादा भाई तो अभी 100 रुपए की हुई, 55 रुपए की हुई थी यार. चले फिर सही है. आप जरा वाइस वर्सा कर देना. तो कैसा लगा बोल फैसल साहब आपसे? अब हम कलीग बनने जा रहे हैं करीब 8 साल पहले भी जो है वो हम एक इदारे में साथ थे और बड़ा अच्छा वक्त हमने गुजारा, बड़े अच्छे माहौल में हमने काम किया साथ में. और अब भी जो है वो माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पता चला कि हैंडओवर जो है वो फैसल साहब को देना है. तो आई वाज वेरी हैप्पी. मैंने कहा इज द मोस्ट डिजर्विंग गाय राइट नाउ सर. और लव यू सर. 132 रुपए. हाँ 132 हो गए. अब सिर्फ जो है वो 17 रुपए रह गए. अभी करते 17 रुपए की चाय पी लेंगे दोनों सर, वो करा देंगे. कोई टेंशन, बारिश का भी मौसम है सर. पकौड़े भी लगाएंगे. पकौड़े भी लगाएंगे. पकौड़े जलेबी. पकौड़ा जात, समोसे जात. तो फहीम भाई ये जो हमारी मीडिया की दुनिया है ये बहुत छोटी सी है. एग्जैक्टली. सो वी कीप ऑन मीटिंग द पीपल. बहुत सारे लोग यहाँ पे जो के अपने पिछले इदारे का, उससे और भी बहुत सारे इदारे जिसमें काम इकट्ठे करते रहे और अब वो दोबारा यहाँ पे मिल गए. तो मोर ऑर लेस लोग तो वही होते हैं. बिल्कुल ऐसे ही इदारे बदल जाते हैं. इदारे बदल जाते हैं. एक ये चीज जरूर है कि पाकिस्तान की मीडिया की तारीख में जिस वक्त एक जमूद आ गया था
तो उस वक्त बोल ने उस जो वो कहते हैं ना, एक ठहरे हुए पानी में एक कंकर फेंकने की कोशिश की थी जिससे रिपल्स पैदा हुए थे और बहुत थरथली हुई थी। कोशिश हमारी होगी कि हम उस रिवायत को बरकरार रखें, हम वो रिपल्स बने जो कि माशरे में थरथली ना पैदा करें बल्कि माशरे को आगाही की जानिब लेकर जाएं, वो पॉजिटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे, वो बातें जो हम नहीं करते हैं, वो बातें जो होनी चाहिए, चाहे वो यू नो पाकिस्तान की माहौलियात के हवाले से, दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, यू नो आई एम अ ट्रैवलर, तो पाकिस्तान में आप कहां कहां कैसे कैसे घूम सकते हैं कम खर्चे में, कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, सारी चीजें जो आप उन्हें बताएं, वो चीजें, टूरिज्म, फूड, आपका जो लाइफ स्टाइल है, आपकी बीमारियां हैं जिनको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं, ब्यूटी ऑफ कोर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, बिल्कुल, हम ब्यूटी, फिटनेस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूजुअली जिनके ऊपर बात बड़ी कम की जाती है, जिसमें से एक मेंटल हेल्थ है, बिल्कुल ऐसा, और वो एक बहुत बड़ा टॉपिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और ये चीज ऐसी है, मुझे लगता है कि इसे हर प्लेटफॉर्म पर, सिर्फ ये नहीं कि बोल के, इसे हर प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करना जरूरी है, मर्दों की मेंटल हेल्थ के हवाले से, सिर्फ औरत कार्ड जो है वो प्ले होता रहता है, अनफॉर्चुनेटली भाई, मर्दों की मेंटल हेल्थ तो बल्कि बहुत ज्यादा है, मर्दों का जो सुसाइडल रेट है वो भी ज्यादा है, वो भी ज्यादा है, अगर आप उसको गूगल करें तो। हम चाहते हैं कि हम उन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जो है वो रोशनी डालें, क्योंकि देखें ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हर हाउसवाइफ से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक हम हर जगह देखे जाएंगे। अच्छा सोनिया साहिबा, सॉरी टू कट यू हियर, मर्दों का जो आपने सुसाइडल रेट बताया औरतों की वजह से तो ज्यादा है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो हम दोनों मर्दों की सिर्फ 150 की तारीफ हो रही थी, बिल्कुल, तमाम तर जो बहरुल मर्द, देखिए मैं यहाँ औरत कर सकते हैं, यहाँ पे मजलूम बन के बड़े आराम से औरत कार्ड प्ले कर सकती हूँ। नहीं, आपने ये नहीं करना है, आपने हमें जो है वो चित कर देना है जी, ये अगर आपने कर दिया तो फिर बात ही क्या है, 200 रुपए की ज्यादा आपने तारीफ कर दी तो उसके लिए हम सब, ये पता है हमारे पे स्केल से ज्यादा हो गया। मैं समझती हूँ, मैं वो वाला, मेरा वो वाला टाइप नहीं है, मर्द या औरत वाला, मैं जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरा, वो नहीं, मैं जो बंदा जो स्ट्रांग है, मतलब मर्द जो है ना वो खुसूसियत का नाम है, वो एक औरत भी हो सकती है, मुझे लगता है, मतलब आप कह रही हैं एक कैफियत है, एक कैफियत है, किसी पे भी तारी हो जाती है, एडजेक्टिव, It's a positive, take it as a positive dude. तो ये अच्छा, अब अगर कोई मर्द ये बात कह दे किसी टेलीविजन के ऊपर बैठ के कि जी ऑब्जेक्टिव हो जाए जिसके अंदर कोई फीमेल, तो फिर आप देखें कैसा फसाद बर्पा होता है, हम ऐसा कोई भी आप हमें जो है वो कैफियत बना गए, हम ऐसा फसाद बर्पा होना कर देना चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं कि जो भी पॉजिटिव, भाई मैं तो चाहूंगा आपका जो प्रोमो जो आप लोगों ने पहली बार देखा था, एक मरतबा फिर नाजरीन को दिखाऊं, क्योंकि मुझे भी बहुत ही प्यारा लगा, तो मुझे बताइए फैसल क्या प्लान लेकर आ रहे हैं आप शो के लिए, क्या तब्दीली जिसकी हम बात कर रहे हैं, कुछ हाथ पैर कटवा दें, सब थोड़ा थोड़ा जो यार म्यूजिक नो दे दे वो पंजाबी टच, नच मजाजन तो खैर नहीं होगा, नच मजाजन नहीं है, तो नहीं होगा वो, नहीं होगा ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ लेकिन यार फहीम भाई, किसी बहुत अजीम मुफक्कर ने कहा लाइव इज अ डांस, मुझे नहीं पता किसने कहा ये, मैंने अभी भी बनाया है, ओह माय गॉड, चले व्हाट्स इन अ नेम, ये तो हमें पता है ना, गुलफाम ने कहा है, तो मेरा फोकस ये है कि हम कहानियां अपनी किस तरह बताते हैं। अच्छा फहीम भाई, आप क्योंकि एक तो मल्टी टैलेंटेड इंसान है, आपको पता है कि जब आप इंसान को किसी को कहानी सुनाने बैठते हैं तो एक तो तरीका होता है कि आज मैं उठा, उसके बाद मैंने खाना खाया, उसके बाद मैं घर जाकर सो गया, लेकिन एक तरीका मुख्तलिफ होता है। मैं पर्सनली ये फील करता हूँ और हमारी ये बात हुई कि क्यों ना हम कान को यहाँ से पकड़ने के बजाय यहाँ पकड़े, लोगों को इंडल्ज करें भाई, सुबह सुबह 9 बजे गाँव में तो लोग उठ जाते हैं, लेकिन ये हमारे शहरों में इनको उठाना, एक तो ये, दूसरा ये हम चाहते हैं कि हमारी जो भी कहानी इस 2 घंटे में हम बताएं, चाहे वो सियासी हो, चाहे समाजी हो, चाहे खेल की हो, चाहे कुछ भी हो, खेल में तो आजकल बहुत कहानियां चल रही हैं, और आई एम लिटरली वेटिंग के मंडे से स्टार्ट हो, और मंडे को गालबन टेस्ट मैच का तीसरा चौथा दिन होगा, पता नहीं वो तीसरा चौथा दिन होगा भी, अल्लाह करे ड्रॉ हो जाए, दोनों सूरतों में बांग्लादेश तो जीत ही गया, लेकिन अल्लाह करे ड्रॉ हो जाए तो खैर क्या करते, एक बार अबरार को बॉलिंग कराने दें अल्लाह के वास्ते, उस बेचारे को चांस ही नहीं मिल रहा यार, चांस तो खैर क्या कर सकते, खैर यही बातें हैं, फैसल को ज्यादातर पूरे शो में इसी चीज को लेके, वो क्रिकेट को लेके, हां वो मुझे मालूम है भाई, वो खुद हार्ड बॉल प्लेयर है, तो फहीम भाई अब बात यह है कि हमने कुछ ऐसी कहानियां लेकर आनी है जो पूरा दिन जिंदा रहे, जिनकी पूरे दिन बात हो, जो हमारे शो से जाए, हमारे प्लेटफॉर्म से जाए, तो लोग उसको डिस्कस करें कि यार ये चीज, यानी अगर मैं कूजे के अंदर जो है वो समंदर को कैद करना चाहूं तो हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि फैसल और सोनिया का है अंदाज़ बयां कुछ और,
तो आप अपने अंदाजे बयां के ऊपर जो है वो फोकस किए बैठे हैं और स्टोरी टेलिंग जो है वो आपका ऐसा होगा कि इतना दमदार होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि वो वहां तक पहुंचे जो दिल से बात निकल रही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि एक्सपर्टीज होती है ना फैसल की, माशाल्लाह ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, सब, तो मुझे फूड तो वी कैन सी दैट, सॉरी माय बैड। सो मुझे ना, मुझे इस चीज में बहुत मजा आ रहा है सोच कर भी कि मतलब हम दोनों ना इक्वली एनर्जी डाल रहे हैं कि फैसल के कंटेंट ये, तो मैं भी वो फैसल कंटेंट, हम दोनों जो है ना वो एक पेज पर हैं। सबसे अच्छी बात ये कि कोऑर्डिनेशन इन ऑल टीम, ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क, टीम के बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। टीम जितनी एफिशिएंट होगी, जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, उतना अच्छा हम परफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन आपस में जो एक होता है ना कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री जो एक बन जाती है, क्योंकि ऑन स्क्रीन देखिए टीम, ऑफ स्क्रीन हमारे जो है वो समझ लीजिए बाजू हैं, और हम ऑन स्क्रीन जो लोग बैठे हुए होते हैं वो उस वक्त वो बैसाखियां हैं जिनके बगैर, बाजुओं के बगैर वो बैसाखियां काम की नहीं है। तो वो बहुत ही जरूरी है, ये बिल्कुल तालमेल एक साथ रहता है। और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी जो है वो उतनी ही जरूरी है जितनी ऑफ स्क्रीन आप की टीम के साथ केमिस्ट्री होती है। क्योंकि आपको बहुत सारे मौके पर ऐसा होता है, मैंने यहाँ इसी शो के अंदर कोई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8 एंकर्स के साथ जो है वो ये शो मैंने कर चुका हूँ अभी तक, 7 से 8 एंकर्स। जी हाँ, वो अब मैं फेविकॉल लेके बैठा हुआ, उन लोगों के पास नहीं था। आप वो एक्स हैं जो कांस्टेंट है। जी मैं वो एक्स फैक्टर जो के कांस्टेंट है। आज इनको बोलने देते हैं मजीद 10 मिनट जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए केमिस्ट्री का मुझे इस बात से अंदाजा हो गया है कि वैसे तो बहुत ही अच्छे हमारे प्रोग्राम रहे, लेकिन शुरुआत के अंदर अक्सर ये होता था कि क्यू कब लेना है, कब वो चुप हो, कब मैं बोलूं। अब एक अगर सेगमेंट चल रहा है तो 6-6 क्वेश्चंस एक साथ अगर मैंने कर दिए तो वो क्या ब्लैंक बैठे रहे मेरे साथ जो को-एंकर हैं, और या फिर हमने किस तरीके से उसे ऑन एयर कोऑर्डिनेशन, हम दोनों कैमरे पे बैठे हुए ऑन एयर, हमारी केमिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि हमें साइन लैंग्वेज पता हो एक दूसरे की। ये जो बात फहीम भाई कह रहे हैं ये मैंने इनसे सीखी उस वक्त जिस वक्त क्रिकेट का शो कर रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ये वैल्यू करें कि आपके पास गेस्ट या को एंकर कौन आया है। और अब जो खसूसियत आप में फहीम भाई वो सोनिया में नहीं, जो सोनिया में मुझ में नहीं, जो मुझ में वो किसी में नहीं है, तमाम लोग। तो ये दिस इज दिस एंड दिस इज नॉट जस्ट 1+1, लेकिन जैसा कि आपने नाम लिया और मैं चाहूंगा कि आप मतलब जब हम क्लोज कर रहे हो तो जाते जाते उन तमाम लोगों का नाम लें जो हमारा बैक साफ है, बिकॉज उन्हीं के लिए मैंने टाइम ली हुई है। वो ये जितनी इनकी मेहनत है, और हम आपको तो लगता है कि ये इट्स जस्ट 2 आवर शो, लेकिन इस 2 घंटे के शो में जितनी मेहनत अभी ये साइन ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर पूरी टीम ये लोग उसके बाद से रात तक लगे रहेंगे, देन फिर हमारी एक शाम में टीम आएगी और वो शाम में जो टीम है वो पूरे दिन का कथा नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करेंगे, प्लानिंग बनेगी, फिर ये वाली जो टीम जो सुबह सुबह आएगी और फिर वो जो प्लान तैयार किया है उसको प्लान ऑफ एक्शन का जो है वो हमारी कोऑर्डिनेशन अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, लेट नाइट तक जो है वो रहती है। आदिल हो गए, उमेर हो गए, उरूसा हो गई, एहसन, मुदस्सर, फैसल, मैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ नहीं है। सो वो जो एक टीम है ना वो कोऑर्डिनेशन में रहती ही रहती है कि अब ये है रन डाउन आ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी एफिशिएंट टीम मिली है। सो ऑब्वियसली जब हम भी यहाँ बैठेंगे तो उसी एनर्जी के साथ बैठेंगे। डेफिनेटली आपको टीम की तरफ से तो सारी चीजें परफेक्ट मिलेंगी, प्रॉपर मिलेंगी। और मेरी जानिब से आप तमाम लोगों का भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मुदस्सर साहब जो कि सीनियर प्रोड्यूसर हैं इसके, एहसन साहब जो कि उम्रे पे गए हैं, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तान के लिए खजूर और जमजम कंपलसरी। अरूसा कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है उन्होंने बड़े जो है वो हमसे हमारे साथ बड़ी परेशान रही हैं एक हद तक कि जब कोऑर्डिनेशन कंप्लीट नहीं होती तो हम बहुत ज्यादा ऐसा ही था ना, पहुंचेंगे बहुत ज्यादा पहुंचेंगे बारिश की वजह से। ऐसा ही उवेस जो है वो माशाल्लाह से हमें पूरा अपना रन डाउन जो है वो भेजते हैं, तैयार करते हैं, सजाद हैं जो कि एडिट पे होते हैं, बाकी हमारी पूरी पीसीआर टीम है, हमारे कैमरामैन है भाई, सबका नाम नहीं ले जाने के ऊपर जो है वो माजरत चाहूंगा। सिक्कू भाई हैं, सिकंदर साहब जो कि इस शो की जान है, जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। इमरान हैं साथ में, और शुएब हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका नाम इस वक्त तमाम का लेने जाऊंगा कमर्शियल ड्रॉप हो जाएंगी, सोच लेना। तो मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दुनिया बोल है, और फैसल सोनिया वेलकम टू द शो। नाज़रीन इंशाल्लाह पीर की सुबह आपकी मुलाकात होगी हमारे 2 नए मेजबानों से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।